हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। वानिका ने मेरा हाथ पकड़ रखा और ये देखिए चल रही है, मम्मी बाहर चलो, यहाँ पे कैसे आ गए? तो मैं थोड़ी सी साफ सफाई करने के लिए गई थी, कमरे में सामने धूल आ जाती है दोपहर में, तो चादर वगैरह भी ठीक किया है क्योंकि बच्चे थोड़ा हल्ला गुल्ला मचाते हैं वहाँ पे। और अभी ये देखो बेड पे लेके जा रही है मुझे कि बेड पे चलो मम्मी, यहाँ पे आओ अपने बेड पे। आज मैंने गद्दे है ना सारे के सारे निकाल रखे थे ये वाले, और ये इनके कवर भी धो डाले क्योंकि दिवाली की तो नहीं, होली की साफ सफाई है शुरू तो हो ही गई है। और बेड की चद्दर भी जो है धो डाली है। ये देखो घूम के कितनी खुश हो गई। अभी अभी आर्यांश, वेदांश और कन्नू तीनों बच्चे आए थे और इसके साथ में खेल के चले गए हैं, तो ये घूम घूम के दिखा रही थी वानिका उनको। कैसे घूमते हैं वाणी का ऐसे? जन्म जन्म जो साथ निभाए कैसा बंधन बन जाओ। बस एक बार से गोलगप्पे क्या बना के दे दिए कल, ये वो बर्तन चौकी पे रखा है जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ, बर्तन बना दो ना। बना रही, चल यही रो गरी तो ज्यादा चटोरा था उठ जाओ। किताब भी तो ऐसी थी। ओ इसमें पानी दे दे सुन लेना बाबा, फूल ना थोड़ा ताऊ फिट टका ताऊ फिट टका। ए तो हमने ला रखी बेटी पौधे, फिट टका लगाओगे ना कल को? बस बस फूल ना थोड़ी, अरे फूल ना थोड़ा, फूल ना थोड़ा। वेदांश को बुला करके लाया करनू कि मम्मी गोलगप्पे बना रही है जल्दी चलो, कल तो गोलगप्पे बनाए थे आज फिर से गोलगप्पे। क्यों भाई? कन्नू बाजू नीचे करो अपनी। और वाणिका और वेदांश छिप गए। वानिका चप्पल कहाँ है बेटा? जूते कहाँ है? जूते पहन के आओ, जूते पहन के आओ वानिका। सबको पता है एक ही जगह इनकी, एक ही जगह। नहीं खाते थोड़ी ना है, खाते थोड़ी ना है भाई। अब वेदांश की बारी है, अब वेदांश ढूंढेगा कन्नू को, लेकिन वानिका तो अपना छिपने में ही है व्यस्त है। वानिका वानिका मुंह बना के दिखाई, मुंह कैसे बना कर रहे? बर्तन अभी अभी साफ किया मैंने और फिर से गोलगप्पों की फरमाइश आ गई आज कन्नू की फिर से। तो मम्मी को पानी बनाने के लिए दिया था मैंने, तो मम्मी पानी तैयार हो गया क्या? गोलगप्पों का पानी जो है तैयार हो गया है। ये देखिए आज बूंदी नहीं डालेंगे क्योंकि उस दिन सारी की सारी बूंदी उन्होंने निकाल निकाल कर बाहर फेंक दी थी, तो टेस्ट करके देखो एक बार इसमें कैसा लग रहा है। एकदम बढ़िया बन रहा, मीठा मम्मी और थोड़ा तो होना ही चाहिए। इसमें मैंने काला नमक डाला, चीनी डाली और इमली का पानी तो मैंने बचा के रख रखा था, मुझे पता था कि कभी भी कुछ भी कह देता है। तो गोलगप्पे आज रेडीमेड लाया है कन्नू और वे मैंने रख लिए थे उठा करके क्योंकि कल भी बनवाए थे इसने। और कढ़ाई रख लेती हूँ और गैस जो है साफ सफाई तो कर दी थी मैं। अच्छा जोर से पटका है इनको, पर पटक गया, पटक गया रे। यो हमने बोले कपे पटक गया,
ये पप्पा तेरी वाणी ने भेलिया है, ये वाणी ने भी भेलिया। ए भाई वाणी ये थोड़ा है गंदा करने वाले थे, मुझे पता था पहले ही। अभी अभी बर्तन साफ किए हैं और सारे के सारे बच्चे अब लग गए हैं पानी पीने में। अभी इन पर इनसे है ना सहन नहीं हुआ ये गोलगप्पे खाने। ये भी पानी का गिलास लेकर के अपनी माँ के पीछे पीछे जा रही, माँ 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 करती हुई। और आजकल चप्पल पहननी बंद कर दी वाणिका ने बिल्कुल। वाणिका आज कपड़े चेंज करूंगी। हाँ इसे मिटाओ गलत को, ये इरेजर जल्दी करो अपना होमवर्क जो मैडम ने दे रखा है। इतनी रात होने के बाद सब्जी वाले भैया आए थे और सब्जी दे करके गए हैं। तो आलू मटर टमाटर हरी मिर्च हरी प्याज और ये हरा धनिया ले लिया है। और वाणिका को क्या पसंद है? हरी टमाटर, हरी मटर, सॉरी हरी टमाटर नहीं हरी मटर। तो वाणिका अपनी माँ के हाथ से खाती है सारी चीज़ें, तो उनसे तो निकलेगी नहीं, मैं निकाल के दूंगी। तो मम्मी ने कहा है कि हरी प्याज बना लो, ये हरी प्याज सारी की सारी बन जाएंगी आज तो। क्योंकि अभी अभी बाइक आगे रुकी है तो मतलब वाणिका एकदम से उठ के चल दी मेरी गोद में से कि बाइक आने की आवाज़ हुई, पापा की आने की आवाज़ हुई और ये देखो आई गई यहाँ तक। और आज ये इतनी गिल्ली हुई, इतनी गिल्ली हुई पानी में, कूद कूद के नारी थी। आज तो आपकी लल्ली है ना मरते मरते बच गई। क्या हुआ क्या आज आपको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ इसके साथ में? जो दो का सिक्का था ना वो गले में आधक चला गया था और अंदर तक, और फिर है ना मैंने एकदम उल्टी कर दी और इसे इसका है ना एक मारा कमर में, खांसी उठी से एकदम निकल गया पड़ा सिक्का इसके। हैं क्यों दिया था क्या इसमें? इसने उठा लिया था खाट पे पड़ा था, रवि कन्नू ने घेर दिया, रवि याद आ रहा। कन्नू ने कहाँ के रखा था सिक्का और कहाँ को निकाला मुँह में को मुन्ने कहाँ को निकाला यहाँ को निकाला? और कैसे मर गई थी, कैसे मर गई थी? पापा आज तो मेरी बस गले में सांस के सांस अटक गई थी ऐसे ही। चलो अपने पापा के पास पहुँच गए, मैंने भी खाना तैयार कर रखा। आज मैंने बनाई इनकी फेवरेट सब्जी आलू प्याज की। मम्मी आज तो घर बैठे ही है ना, ट्रीट मिल गई मुझे। नीलम पास हुई ना? हाँ नीलम पास हो गई है, बीटीसी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मिठाई दे करके गई है मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जब ऐसे है ना कोई मतलब दे करके जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और वो भी पढ़ाई की उसमें कि हाँ मैं पास हो गई अच्छे नंबरों से। बता हाँ मेहनत उसने भी करी और मैंने भी करी उसके साथ। हाँ काफी टाइम के बाद में, तो आप भी मुंह मीठा कर लो, सब मुंह मीठा कर लो। ऐसे सोच के नहीं खानी चाहिए मिठाई, फिर तो नुकसान देगी। लेकिन अगर हम अच्छा सोच के खाओगे ना तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देने की। और इन बच्चों को है ना मिठाई वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है, हाँ इनको तो टॉफी खानी है बस, टॉफी टॉफी टॉफी। और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी बर्फी है, ये है भगत जी स्वीट्स के यहाँ। कन्नू अभी अभी बर्थडे में से आया है और केक लेकर के आया, ये बर्फी खा ले अभी, वो बर्फी आई सरप्राइज, इतने अच्छे अच्छे सरप्राइज लेके आया, केक लेके आया और बर्फी रखी यहाँ पे, बर्फी आई तेरे लिए, बर्फी खा लो दोनों।